हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे, इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल लवानिया सर आपके लिए लेकर आया हूँ आज प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स। तो भाई, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक दो ट्रिक्स बना दीजिए, या प्रोबेबिलिटी को कैसे हम जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत रैपिडली कर सकते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रोबेबिलिटी की ट्रिक यानी कि कॉइन्स के ऊपर ट्रिक। ठीक है, कॉइन्स के क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जा सकता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो ये मेरी स्पेशल क्लासेस हैं जो अन अकेडमी पर फ्री चलती हैं, एसएससी की सुबह 9 बजे और बैंकिंग की रात को 9 बजे। इन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के लिए आप अन अकेडमी पर मेरे को सर्च करिए प्रबल लवानिया, और वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा, मेरे को आप फॉलो कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है। दो कॉइन को टॉस करा गया, दो कॉइन है, ये लिख लो, दो कॉइन बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक टेल आए फेस पे, ठीक है, एक टेल आए, अगर एक टेल आएगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक है हेड ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको अरेंजमेंट के फॉर्म में करना है। ये कितने टर्म है टोटल, एक और एक दो टर्म, 2 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल। अब याद रखना के नीचे आता है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो हमेशा याद रखना टोटल नंबर ऑफ इवेंट कॉइन के केस में कैसे निकालते हैं। कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट, सबसे पहले तो दो कॉइन है तो 2 की पावर 2, अगर 3 कॉइन उछाले जाते तो 2 की पावर 3, 4 कॉइन उछाले जाते 2 की पावर 4, ये आते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो आपके यहाँ पर 2 कॉइन है, 2 की पावर 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 2 की पावर 2 4 हो गया, आंसर आएगा 1/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड ऑन द फेस, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड आना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा भी आ जाएगा तो भी चलेगा। तो भाई ये सिक्के बनाए पहले कंडीशन के, एक हेड होना चाहिए कम से कम, तो अगर एक हेड होगा तो एक टेल होगा। सेकंड कंडीशन बनेगी एटलीस्ट, क्योंकि बोल रहा है तो एटलीस्ट के केस में आपको क्या करना पड़ता है, कम से कम एक, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिक्के 2 हैं तो मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं, तो मैंने ये 2 सिक्के बनाए और दोनों पे 2 हेड कर दिए। अगर इन दोनों को अरेंज करते हैं तो एक और एक 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को अरेंज करते हैं अगर तो एक और एक 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल अपॉन। एच 2 बार रिपीट हो रहा है, मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई है कि जब कोई नंबर रिपीट होता है तो उतने ही बार ही फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो जाता है। तो एच और एच 2 टर्म है तो 2 फैक्टोरियल, और एच 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, आंसर आया 1। अब क्योंकि आपकी कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती, जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब आप प्लस कर दोगे, और 2 + 1 टोटल हो गया 3, और 3 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 और 1 टोटल हो गया 3, कंडीशन खत्म हो चुकी है। अब 3 अपॉन टोटल सिक्के 2 हैं तो 2 की पावर 2, तो 3/4 आपके क्वेश्चन का। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड का मतलब है पहली कंडीशन एक हेड एक टेल होगा, दूसरी कंडीशन दोनों हेड हो सकते हैं, अगर दोनों हेड हैं तो इन दोनों को अरेंज करेंगे, एक और एक 2 टर्म है, 2 फैक्टोरियल। अब आपने देखा एच 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल 2, 2 + 1 3, टोटल नंबर जो आपके फेवरेबल इवेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपका होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल आपके 2 और 1 3 हो गया, टोटल इवेंट की बात करें 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2। एक और क्वेश्चन, 3 कॉइन को टॉस करना है, ये बना दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल ऑन द फेस, अगर 2 टेल चाहिए तो तीसरा तो हेड होना चाहिए कि नहीं बताओ। अगर आप बोलते हो कि सर 3 सिक्के उछाले गए, 3 में से 2 सिक्कों पे टेल चाहिए, तो 2 सिक्कों पे टेल हो गया तो 1 पे हेड होगा। अब कितने टर्म है, 1, 2, 3, 3 टर्म को अरेंज करना है कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से, अपॉन कोई रिपीट हो रहा है क्या सर, बिल्कुल टी रिपीट हो रहा है, कितने बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल करा 3 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी तो ये आई नहीं, प्रोबेबिलिटी तो 3 आया, अपॉन में भी तो कुछ आएगा टोटल इवेंट, तो 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 हो जाता है 8, तो 3/8 आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, बताओ 3 सिक्के उछाले गए जिनमें से 2 पे टेल चाहिए तो तीसरे पे हेड आना ही आना है।
अब इनको अरेंज करेंगे, एक दो तीन, तीन तरीके से अरेंज करना है फैक्टोरियल थ्री। और अब आप नीचे लिखोगे टी दो बार रिपीट हो रहा है। देखो मैं प्रोबेबिलिटी में आपको परम्यूटेशन कैसे अप्लाई करते हैं ये बता रहा हूँ, आप करने को तो कंडीशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन मेथड में बहुत टाइम लगता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। परम्यूटेशन मेथड जैसे आपको ईजी हो जाए अरेंजमेंट बना के, तीन थे तो तीन बन गया, तीन तरीके से अरेंज होगा, और अपॉन में टी दो बार रिपीट हो रहा है तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड थ्री आ गया, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट टू की पावर थ्री एट, तो थ्री बाई एट। एक और क्वेश्चन देखेंगे बेहतरीन, ये देखिए पांच सिक्के हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट थ्री हेड, कम से कम तीन हेड चाहिए, तो तीन हेड चाहिए तो बाकी के दो टेल होंगे, कम से कम मतलब कम से कम तीन हेड तो चाहिए, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक और कंडीशन बन सकती है जिसमें चार हेड हो, एक टेल हो जाए, और एक और कंडीशन बन सकती है जिसमें पांचों के पांचों हेड हो, ठीक है, लेकिन अब सॉल्व करना पड़ेगा इनको और बीच में लगाना पड़ेगा प्लस, सीधा से बात है। तो यहाँ पे देखें कितने तरीके से अरेंज होगा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच टर्म है, फाइव फैक्टोरियल अपॉन एच कितने बार आ रहा है, एक दो तीन, तीन बार रिपीट हो रहा है ना, तो थ्री फैक्टोरियल इंटू टी दो बार रिपीट हो रहा है, टू फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल 120, थ्री फैक्टोरियल 6 और टू फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल होकर 10 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 5 है तो 5 फैक्टोरियल, एक दो तीन चार, चार बार रिपीट हो रहा है, चार फैक्टोरियल, ये होता है 5 फैक्टोरियल 120, 4 फैक्टोरियल 24, ये आ जाएगा कैंसिल होकर 5। इसको देखते हैं एक दो तीन चार पाँच, पाँच फैक्टोरियल, और H जो है वो पांच बार ही रिपीट हो रहा है तो पांच फैक्टोरियल से फिर डिवाइड, तो ये आएगा 1। टोटल ऐड कर लो 10 और 5 15 और 1 16, ये हो गया अपॉन, पांच कॉइन है तो 2 की पावर 5, तो 16 अपॉन 32 काटेंगे, 1 अपॉन 2 आपके क्वेश्चन का आंसर, नन ऑफ दी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 अपॉन, ठीक है भाई। कॉइन में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको टाइम भी लगता है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से कॉइन्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को लिया जाता है कॉइन्स के। बाकी कोई भी आपको दिक्कत है, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बैंक का पेपर आपका नज़दीक है, 12 तारीख से पेपर है, 12 बजे मेरी YouTube पे क्लास होती है बैंकिंग की, 12 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम चैनल पे होती है, जिसमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस मैंने स्टार्ट करा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आज भी ये क्लास होगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कोशिश करिए कामयाब हो जाइए। थैंक यू।